हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने रेडमी नोट 6 प्रो की बूट लोडर को कैसे अनलॉक करेंगे। और दोस्तों, ये जो मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस मेथड के थ्रू हम लोग Xiaomi के किसी भी डिवाइस की बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को प्रोसेस करके दिखाया है, ट्यूटोरियल बताया है, प्लीज आप लोग सेम मेथड को फॉलो करना। तो दोस्तों, हम लोग को बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है एक MI अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अगर सेटिंग में आकर दिखा देता हूँ, तो मेरे फोन में दोस्तों देख सकते हैं कि MI अकाउंट जो है लॉग इन है यहाँ पर। अब जब लॉग इन दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग एक बार अपने डिवाइस को यहाँ से फाइंड डिवाइस को ऑन कर देंगे हम लोग, और यहाँ से सिंक कर देंगे। सिंक हो गई, उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पर अपने सेटिंग वाले अबाउट फोन में, और जो MI वाई वर्सन दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स टैप करेंगे ताकि हम लोग का जो डेवलपर ऑप्शन है जो ऑन हो जाए। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी डिवाइस आप देख सकते हैं, मतलब नंबर पर रेडमी नोट 6 प्रो है। तो हम लोग की जो है डिवाइस की जो है डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो गई है। हम लोग जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों हम लोग ये OEM अनलॉकिंग को इनेबल कर देंगे, और यहाँ USB डिबगिंग को इनेबल कर देंगे। ये दो चीज़ को इनेबल करने के बाद दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में ले जाएंगे। फास्ट बूट मोड में ले जाने के बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने PC की तरफ, और PC में दोस्तों हम लोग MI फ्लैश अनलॉक टूल से अपने फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर मी अनलॉक स्टेशन पर अपने अकाउंट को ऐड करेंगे। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को ऐड कर रहा हूँ, ऐड अकाउंट एंड डिवाइस। और दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग उसी अकाउंट को दोस्तों यहाँ से ऐड करेंगे जिस अकाउंट से आपका मी अकाउंट है, और वो नंबर आपका इस फोन में जो है होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोगों के अकाउंट में एरर कोड 401 की कुछ एरर आती है, तो आप लोग अपने डिवाइस को एक बार रिबूट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि मुझे एरर आ रही थी, रिबूट करने के बाद जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरा अकाउंट जो है यहाँ से बाइंड हो गया है। तो अब दोस्तों हम लोग अपने फोन को फास्ट बूट मोड में ले जाएंगे। तो फास्ट बूट मोड में ले जाने के लिए फोन को पावर ऑफ करेंगे या रिबूट पर क्लिक करेंगे, और ये वॉल्यूम डाउन बटन को हम लोग यहाँ से लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे तब तक जब तक कि हम लोग का फोन जो है फास्ट बूट मोड में नहीं आ जाए। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट बूट मोड में आ गया, अब हम लोग इसे छोड़ देते हैं, अब चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। अब दोस्तों हम लोग अपने लैपटॉप में वो ये फ्लैश अनलॉक टूल को ओपन करना, और वहाँ पर दोस्तों वही अकाउंट को लॉग इन करना जो अभी हम लोग के फ़ोन में लॉग इन है। और लॉग इन करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से अनलॉक वाली प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से लॉग इन कर लिया, और दोस्तों आप यहाँ ऊपर में देख सकते हैं जो मेरी अकाउंट आप देख रहे हैं वही सेम अकाउंट है जो मैंने अपने फ़ोन में यूज़ किया। और दोस्तों मैं यहाँ पर अनलॉक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अनलॉक पर क्लिक करने के बाद हम लोग को 2 से 3 बार जो है वार्निंग देता है, क्योंकि दोस्तों इस मेथड में जो है हम लोगों की सभी डाटा जो है वो एरर हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग अपने सभी डाटा का बैकअप बना लें, उसके बाद ये इस प्रोसेस को फॉलो करें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर जो है आप अभी आपको एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगी अनलॉक सक्सेसफुली। तो जैसा कि दोस्तों आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मेरे डिवाइस की बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली मेरे रेडमी नोट 6 प्रो की जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो गई है। तो मैं अगर आपको सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ, अबाउट फोन जो मेरा है रेडमी नोट 6 प्रो मॉडल नंबर में, और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद मी अनलॉक स्टेटस में दोस्तों देख सकते हैं कि अनलॉक्ड आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब ये मेथड आप लोग ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों का इंस्टेंट ओपन हो जाए, अनलॉक हो जाए, या फिर हो सकता है आप लोगों को कुछ वेट टाइम देखने को मिले लाइक 360 आवर्स या 720 आवर्स। तो अगर दोस्तों आप लोगों को इस तरह से वेटिंग आवर्स का टाइम मिलती है आप लोगों को, तो आप लोग ये दो मेथड को ट्राई कर सकते हैं जो बाईपास मेथड है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बाईपास मेथड आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी थंबनेल, इसकी लिंक जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये 100% काम करेगी, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को नहीं देता हूँ। क्योंकि दोस्तों Xiaomi जो है वो हमेशा अपने पॉलिसीज को चेंज करता है, अपने एल्गोरिदम को चेंज करता रहता है। तो हो सकता है दोस्तों आपके केस में शायद ये काम कर जाए, या फिर हो सकता है ये काम नहीं करे। लेकिन दोस्तों मेरा आप लोगों से तभी रिक्वेस्ट है जब आप लोगों के पास 360 आवर्स या उससे ज़्यादा का वेट टाइम आता है, तभी आप लोग एक बार इस मेथड को ट्राई करेंगे। अगर अनलॉक हो जाती है तो आपका गुड लक, अनलॉक नहीं होती है तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो गिवन वेट टाइम आप लोगों को दी गई है, आप लोग उस वेट टाइम का वेट करें, और उसके बाद अपने डिवाइस की बूट लोडर को अनलॉक करें।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। और दोस्तों फाइनली जब हमने हमारे रेडमी नोट 6 प्रो की बूट लोडर अनलॉक हो गई है तब हमारे चैनल पर रेडमी नोट 6 प्रो के रिगार्डिंग अलग अलग तरह की वीडियोज आएगी, कस्टम रोम्स की वीडियोज आएगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।